तो दोस्तों आ चुकी कौन नहीं वीडियो के साथ वापस। तो आज हम बनाने वाले हैं रॉकेट नहीं बल्कि रॉकेट का इंजन, थ्रस्टर, मोटर जो भी कह लो, जो कि एक्चुअल थ्रस्ट पावर जनरेट करके हमारी रॉकेट को फ्लाई कराते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इससे आज हम घर के कुछ सामान के इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने वाले हैं। और ये जो है मॉडल रॉकेट नहीं बल्कि सिंपल जो कि हम दिवाली में उड़ाते तो उस प्रकार का रॉकेट होने वाला है। तो चलिए आइए इसको अब बनाते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो ये सब कुछ सामान चाहिए इसको बनाने के लिए। सबसे पहले ये पतला और हल्का वाला पीवीसी पाइप जो कि वायरिंग में यूज़ होता है, उसके बाद सॉडस्ट, ये लकड़ी का चूरा, उसके बाद बालू या रेत जो भी कहते हैं आपकी भाषा में, और ये फेविकॉल, एक्चुअल ये खाली है एक्चुअल दिस वन, और किचन से चूरा है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ रॉकेट फ्यूल, ये ब्लैक पाउडर। तो इसको हमने कैसे बनाया इसका वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लो। तो दोस्तों पीवीसी पाइप को हमने काट लिया है, इसका जो डायमीटर का लगभग 4 गुना, ये लगभग इसका डायमीटर 19 mm का है, तो इसको हमने लगभग 3 इंच का काटा हुआ है। दोस्तों रॉकेट का सबसे मेन पार्ट होता है इसका नॉजल, क्योंकि नॉजल डिसाइड करते हैं कि आखिर रॉकेट का थ्रस्ट पावर कितनी होगी। तो वैसे भी मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है, तो इसको मैंने सिंपल रखने की कोशिश की, तो मैंने छोटा सा जुगाड़ बना है इसके लिए। हालांकि ये काम जो हाथों से भी करा जा सकता था, तो मैंने यहाँ पर 3 सैंपल नॉजल लिया है, जिसमें कि जो टोटल जो हमारा जो पाइप है इसका डायमीटर का 1/3, 1/2 और 1/4, तो यहाँ पर तीनों साइज का मैंने अलग अलग जो नॉजल लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बालू और जो हमारा जो सॉडस्ट है इसका हम मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉडस्ट लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बालू लेंगे और इनको जो अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला देंगे हम। अब इसमें जो हम फेविकॉल डालेंगे, ओके, तो फेविकॉल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, थोड़ा सा देना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा रेत और जो लकड़ी का चूरा का जो मसाला जो बन के पूरा रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसको पाइप के अंदर डालते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा लकड़ी पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। जिससे ये लकड़ी से ना चिपके, ओके। उसके बाद हम इसको ठेस देंगे इसकी मदद से। तो एकदम अच्छी तरीके से पूरा एकदम सेट हो चुका है इसमें। तो उसके बाद हम फ्यूल को जो रेडी कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लैक पाउडर को इसके अंदर डालूंगा। इसके बाद इसमें एकदम चुटकी भर के थोड़ा सा जो हमारी कॉर्नफ्लावर होती है, तो इसके अंदर हम डालें थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, इतना सा। उसके बाद इसको जो अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसमें अब एकदम मतलब ये थोड़ा सा गीला हो, बस इतना सा ही हमको इसके अंदर पानी देना है।
तो दोस्तों हमारा रॉकेट फ्यूल बनके रेडी हो चुका है। तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस इतना पानी देना है कि जैसे यहाँ पर प्रेस करते ही इसका ऐसा जो गुठल बनना चाहिए बस इतना ही पानी देना है। ओके, तो अब इसको पाइप के अंदर डालते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे या थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लोहे की मदद से यहाँ इसको प्रेस करेंगे। हल्का प्रेस करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का प्रेस करना है। मुँह तक एकदम फुल नहीं करना है हमको, क्योंकि इसके ऊपर हमको फिर से हमारा जो सॉडस्ट और जो बालू का मसाला इसमें भरना है। तो इसमें हम पूरा एकदम डाल चुके हैं, तो इसमें थोड़ा इसका ऊपर हम इसका जो मसाला है इसको फिल कर देंगे। इसको हाथों से जो प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी रॉकेट मोटर बन के रेडी हो चुका है। तो बस इसमें एक होल करना है पूरा इसका बीचों बीच तक। तो दोस्तों अब इसके इस मोटर में, रॉकेट मोटर में हम ड्रिल करेंगे, मतलब जो छेद करेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्रिल बिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो 4.8 mm की जो बिट है, तो इसको हम हाथों से भी कर सकते हैं, पर हाथों से करने से जो परफेक्शन नाम की चीज़ होती है वो नहीं होती, तो इसलिए हम इस जुगाड़ को बनाया है। तो चलिए इसके अंदर डालते और ये चीज़ करते हैं। तो इसको डालेंगे इसके अंदर, ये फिट नहीं बैठ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। तो लकड़ी का होल जो वो 20 mm का था और हमारा जो पाइप है वो 19 mm का है, तो इसमें फिट नहीं बैठ रहा था, तो हमने थोड़ा सा टेप लगा दिया। ये अब अच्छी तरीके इसमें फिट बैठ रहा है। तो इसका अंदर से हम धीरे धीरे ड्रिल बिट को घुसाएंगे धीरे धीरे करके। और इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको साफ कर देंगे थोड़ा सा। फिर से जो घुसाएंगे, तो इसका अंदर जो छेद जो अच्छी तरीके से हो चुका है, तो इसी तरीके से हम और दो बना लेंगे और इसको जो सूखने के लिए रख देंगे। ऑलराइट गाइस, तो हमारे जो रॉकेट इंजन वो बन के पूरा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको अब टेस्ट करते हैं। ना ऐसे थोड़ी होता है रॉकेट इंजन टेस्ट। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने छोटा सा सेटअप किया है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसका जो पावर को बेसिकली टेस्ट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हमने इस प्रकार का कुछ सेटअप किया है जिसमें कि ये जो वेट मशीन है ये बेसिकली हमारी रॉकेट का पावर को मेजर करेगा, और इसमें जो हम रॉकेट लगाएंगे ये ऐसे गोल गोल घूमता है। तो चलिए अब इसे हम रॉकेट इंजन को इसके अंदर लगा के अब जो टेस्ट करते हैं।
बस इसमें हमने लगा दिया हमारी रॉकेट इंजन मोटर जो भी कह लो। तो सिंपली काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे हम वेट मशीन को यहाँ पे ऑन करेंगे और इधर का जो है जब इसे हम लगाएंगे तो ये थ्रस्ट पावर से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और इधर को जो हमारी वेट मशीन पे प्रेशर पड़ेगा, सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम जो बड़ी नोजल वाली है, जो सबसे बड़ी नोजल वाली जो थ्रस्टर है उसको हम लगाएंगे। तो चलिए अब इसको लगा के जो टेस्ट करते हैं। जीरो प्रेशर। तो गाइस बड़ी नोजल वाले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, तो यहाँ पर हमने मीडियम नोजल जो 1/3 थी हमारी जो पाइप की डायमीटर की, तो इसको लगाया है। तो चलिए अब इसको जो टेस्ट करते हैं। ओ गाइस धुआं धुआं हो चुका है गाइस पूरा एकदम। तो इसका जो रीडिंग, सॉरी गाइस यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लॉक करना भूल गया था तो रीडिंग जा चुका है। तो इसको जो है ऑन कर देते हैं, अब जो इसमें प्रेशर जो लॉक हो जाएगी। हाँ ये कुछ ज़्यादा समय नहीं होता है, तो फिर भी देखते हैं अगली बार कितना आता है। इस बार सबसे छोटी वाली नोजल को हम टेस्ट करेंगे। ओके तो ठीक है गाइस, इस बार हमने हमारी सबसे पावरफुल नोजल वाली रॉकेट को जो यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए अब इसको जो टेस्ट करते हैं, तो इसको अब ऑन करेंगे। देन तो गाइस ये वाली भाई हमारी किस्मत ख़राब थी, तो छोटी वाली जो रॉकेट ये भाई फॉल्टी निकल चुका है। तो सॉरी गाइस, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, पर ये बेहतर हो सकता था, पर इसमें पता नहीं क्या फॉल्टी आ चुका है। ये सबसे पावरफुल नोजल वाली हमारी रॉकेट थी, पर अफसोस ये ख़राब हो चुका है। तो गाइस इसे हमने फर्स्ट टाइम बनाया और फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, तो थोड़ी बहुत फॉल्टी निकल चुके हैं, पर इसे हम 2-3 बार बनाएंगे तो ये परफेक्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में इसे हम रॉकेट बनाएंगे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक क्लियर गुड बाय।